दोस्तों WWE में इंडिया के काफ़ी सारे रेसलर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें अक्सर यही लगता है कि हमारे भारत देश से एक ही रेसलर WWE में गए हैं और उनका नाम है दि ग्रेट खली। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया से कई सारे सुपरस्टार WWE में गए हैं और वो काम कर रहे हैं। आज इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे इंडियन सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से 5 सुपरस्टार हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और नंबर 5 आते हैं वीर। तो वीर का रियल नेम है रिंकू सिंह, जिनकी हाइट है 6 फीट 4 इंचेस और वेट है 125 केजी, और इनका जन्म 8 अगस्त 1998 को इंडिया में हुआ था। तो वीर ने NXT में रिंकू सिंह के नाम से टैग टीम बनाकर सौरव गुजर के साथ फाइट किए हैं। रिंकू सिंह सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बाद अब वो वीर के नाम से जाने जाने लगे हैं। और नंबर 4 पर आते हैं दिलशेर सैंकी। दिलशेर सैंकी का रियल नेम है गुलविंदर सिंह मल्होत्रा, जिनकी हाइट है 7 फीट 1 इंचेस और इनका वेट है 160 केजी, जिनका जन्म 19 जून 1991 को हुआ था और ये साल 2021 में 30 साल के हो गए हैं। और इनका WWE में नाम है सैंकी। और नंबर 3 पर आती हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट वुमेन रेसलर कविता देवी। तो कविता देवी का हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और जिनका जन्म 20 सितंबर 1986 को हुआ था और ये 2021 में 34 साल की हो गई है। लेकिन फिलहाल में WWE कविता देवी को अपने कंपनी से रिलीज कर दिए हैं और उनके जगह संजना जियार्श को MMA फाइटर है उनको कंपनी में शामिल किए हैं। और नंबर 4 पर आते हैं जिंदल महल, जिनको मॉडर्न डे महाराजा के नाम से WWE यूनिवर्स जानती है, और इनका हाइट है 6 फीट 6 इंचेस और इनका वेट है 180 केजी, और इनका जन्म 19 जुलाई 1896 को हुआ था और ये साल 2021 में 34 साल के हो गए हैं। और ये इंडिया के पहले ऐसे रेसलर हैं जो 2-time और नंबर 1 पर आते हैं ग्रेट खली। तो ग्रेट खली का रियल नेम है दिलीप सिंह राणा और इनकी हाइट है 6 फीट 3 इंचेस और इनका वेट है 157 केजी। इंडिया के ऐसे पहले रेसलर जो WWE में वर्ल्ड चैंपियन बने हो और 2-time भी ग्रेटेस्ट रॉयल नंबर्स के विनर। ग्रेट खली WWE में जाने से पहले वे दिहाड़ी और मजदूरी जैसे काम करते थे। मजदूरी से लेकर WWE में जाने तक बहुत बड़ा लंबा सफर तय किए हैं। और हमारी वीडियो यहीं तक थी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।